चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर दो को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव ए बी हैं, बी समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव ए बी सी हैं। क्या ए हमारा सबसेट है यानी कि उप समुच्चय है बी का, और दूसरे नंबर पर क्या करना हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे क्या कहेंगे, ए सम्मिलन बी या फिर ए यूनियन बी। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया, हमें समुच्चय ए दिया गया है। जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, ए बी हैं। हमें समुच्चय बी दिया गया है, समुच्चय बी के अवयव ए बी सी हैं। अब हमें बताना है क्या ए जो है वो उप समुच्चय है बी का, तो लिखिए हाँ, हाँ ए उप समुच्चय है बी का, उप समुच्चय है बी का, चूंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। जितने भी एलिमेंट समुच्चय ए के हैं वो समुच्चय बी में मौजूद हैं, इसलिए ए क्या है, उप समुच्चय है बी का। लिखिए चूंकि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो चलिए हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। देखिए हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव तथा समुच्चय बी के सभी अवयव रखे जाएंगे। हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी अवयव दो बार ना लिखा जाए। तो यहाँ पर अवयव ए बी है, तो आप लोग लिख दीजिए ए बी। देखिए यहाँ पर ए बी सी है, अगर हम लोग ए बी लिख देंगे तो ए बी हमारा दो बार आ जाएगा, तो ए बी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग सी को राइट कर देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। और आप देख सकते हैं ए जो हमारा ए यूनियन बी है वो किसके बराबर आ रहा, समुच्चय बी के। देखिए समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, ए बी सी हैं, इसमें भी ए बी सी है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए यूनियन बी है वो समुच्चय बी के बराबर है। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।